हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। हम लोगों ने अभी तक देख लिया था कि कैसे हम लोग ट्रांसफर फंक्शन निकाले, लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखा, फिर ट्रांसफर फंक्शन कैसे उससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो सब देख लिया, डेफिनेशन देख लिया था। फिर वेरियस सिस्टम, अगर सिस्टम में अगर इनपुट देते हैं वो भी हम लोगों ने देखा था कि अगर वेरियस इनपुट, अलग अलग इनपुट देते हैं तो उसका रिस्पॉन्स क्या होगा, वो हम लोग वहाँ पे देख चुके थे सारा चीज। तो दो डेफिनेशन हम लोगों के पास सामने आया था। पहला डेफिनेशन क्या था कि ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट, प्रोवाइडेड क्या था कि इनिशियल कंडीशन जो होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। दूसरा एक डेफिनेशन आया था जो कि यूनिट इंपल्स इनपुट पे था। यूनिट इंपल्स इनपुट अगर हम देते हैं तो उसका जो रेस्पॉन्स होता है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म सिंपली ले लेंगे तो वो ट्रांसफर फंक्शन दे देता है। तो इंपल्स रेस्पॉन्स का अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिए ट्रांसफर फंक्शन मिल जाता। तो ये हम लोग का ट्रांसफर फंक्शन निकालने का बहुत अलग अलग तरीका था हम लोग का, वो हम लोगों ने देखा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था एग्जाम्पल लेके दिखा था जिसमें ट्रांसफर फंक्शन हम लोगों ने कैलकुलेट किया था अच्छे से, कैसे उसको कैलकुलेशन करेंगे। आप लोगों को लग रहा हो कि नहीं थोड़ा टफ था, ऐसा नहीं था कि वो टफ था, लेकिन आपको मैं एग्जाम्पल लेके इसलिए बताया कि आपको, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको KVL आता हो और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होता है ये आपको पता हो, ये मैं एक्सपेक्ट करके आपसे चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसलिए वो एग्जांपल मैंने आपसे लिया था ताकि वो आप आसानी से, मतलब उसमें फिर आप ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर सके। तो अगर हम लोग बात करें आगे देखते हैं कुछ, जैसे कि कंट्रोल सिस्टम, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम और ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का क्या होगा ट्रांसफर फंक्शन, ये हम लोग यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जो होता है इसका पहले तो हम लोग देखेंगे, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन और क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जो है, ओपन लूप सिस्टम कंट्रोल सिस्टम का अगर हमको निकालना है ट्रांसफर फंक्शन तो कैसे निकालेंगे, तो ये हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो है ट्रांसफर फंक्शन ही चल रहा है अभी, ट्रांसफर फंक्शन जो टॉपिक चल रहा है वो है ट्रांसफर फंक्शन ही चल रही है, ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का अगर हमको आपको निकालना है, क्या बोला था, ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का क्या ब्लॉक डायग्राम आप लोग को याद होगा कैसे, मतलब ओपन लूप को मैंने बताया था आपको फर्स्ट लेक्चर जो था हमारा, उसमें आपको ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम अच्छे से बताया था। तो उसका आपको ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, तो आपको याद होगा कैसे उसका ब्लॉक डायग्राम बना था, वो आपको याद होगा, ऐसे था, आपको कुछ याद आ रहा होगा कि नहीं बताइए आप लोग। ये आपका ब्लॉक डायग्राम बना हुआ था, यहां पर क्या था, कंट्रोलर था, कंट्रोलर, यहां पे था प्रोसेसर, और यहां पे आपका आउटपुट मिल रहा था, क्लियर। ये चीज आपको ध्यान में आ रहा था ना, ये इनपुट था आपका, ये आपको क्लियर है कि नहीं बताइए। तो यहां पे आपको अगर आपको निकालना है इसका, अगर ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन आपको निकालना है तो क्या होगा, इस दोनों का कंबाइन कर देते हैं, इसका इस दोनों का जो फंक्शन होगा, कंट्रोलर का फंक्शन और प्रोसेसर का जो फंक्शन होगा, उस दोनों को हम लोग कंबाइन कर दिए और उसको ट्रांसफॉर्म डोमेन में लिखे, कैसे लिखे, GOS लिखे हम लोग, GOS ऐसे लिखे, और ये इनपुट है, सपोज ROS इनपुट है और ये आउटपुट है, COS आउटपुट है, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, इसका जो फंक्शन है, इसका फंक्शन है, दोनों को कंबाइन कर दिया और हमको क्या मिल गया, दोनों का जो ट्रांसफॉर्म डोमेन लिखे है, एस डोमेन मतलब ट्रांसफॉर्म डोमेन में लिखे, यहाँ पे GOS होगा उसका फॉरवर्ड पाथ गेन, ये क्या हो गया, इसको हम लोग GOS को फॉरवर्ड पाथ गेन भी बोलते हैं, फॉरवर्ड पाथ गेन भी इसको बोलते हैं। तो यहां पे आपको क्लियर हो गया ना कि ये दोनों कंबाइन करके डायरेक्टली GOS उसका लिखे, जिसको बोलते हैं फॉरवर्ड पाथ गेन। अगर इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना है तो क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू आउटपुट बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट, कंडीशन जो होता है वो, तो COS डिवाइडेड बाय ROS, क्लियर है। और COS क्या होता है, कल ही मैंने बताया था, इस दोनों का अगर ये टाइम डोमेन में रहता तो कन्वोल्यूशन लेते थे, याद है ना आप, कन्वोल्यूशन लेते थे, अगर ये टाइम डोमेन में रहता तो आपको कल बताया था मैंने, जैसे ये इनपुट था, ये सपोज GOT था, याद आ रहा आप लोग को, याद आ रहा होगा, ये YOT था और यहाँ पे था X OF T, क्लियर है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, आपका Y OF T था, अगर इसको हम लोग डायरेक्टली निकालते थे तो क्या होता है, X OF T कन्वोल्यूशन विथ GOT, यही था कल। तो इसको, इसी कन्वोल्यूशन को बचने के लिए हम लोग क्या किए थे, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाले थे, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, Y OF S सिंपली इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाता, क्लियर है ना, यहां पे आपको बताइए।
तो यहां पे वही चीज यहां पे करेंगे हम लोग, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करने वाले हैं, वही चीज यहां पे हम लोग करने वाले हैं। यहां पे क्या है, सी ऑफ एस बाई आर ऑफ एस, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा जी ऑफ एस। तो यही है ट्रांसफर, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जो होगा किसका, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, सिंपली जी ऑफ एस हो जाएगा, क्योंकि यहां पे कोई फीडबैक नहीं है तो फीडबैक का कुछ सीन नहीं आएगा, ना ही हमको इसमें क्लोज लूप का कुछ सीन है तो यहां पे क्लोज लूप भी कोई हम लोग नहीं देखेंगे। तो एक ही ट्रांसफर फंक्शन होगा किसके लिए, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का, सिंपली बस जी ऑफ एस होगा यहां पे। क्लियर है यहां तक, तो बताइए आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के ऊपर। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम जो है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, यहां भी हम लोग को याद है आपको कैसे मैं आपको उस समय बताया था कि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, कैसे उसका ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, सब चीज बताया था आपको, ध्यान में आ रहा होगा। तो पहले आप अपने कॉपी में इसको नोट कर ले, आपको खुद से वो ड्रॉ करके देखिए कि ब्लॉक डायग्राम आपसे बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा, क्लियर है ना। तो यहाँ पे कैसे बनेगा ब्लॉक डायग्राम, देखिए यहाँ पे एडर रहता है, ये प्लस ये माइनस, यहाँ पे क्या है, ये रेफरेंस इनपुट देते हैं या डिजायर, इसी को बोलते हैं हम लोग डिजायर आउटपुट, डिजायर आउटपुट जो होता है। फिर यहां पे आपको क्या होता है, कंट्रोलर, फिर यहां पे आपका आता है प्रोसेसर, फिर यहां पे आपका आता है कंट्रोल्ड आउटपुट, और ये हो गया आपका फीडबैक। यही तो था ना, आपको याद है ना, सब चीज यही था, सेम कंडीशन आपको यहां पे एप्लीकेबल था। तो यहां पे फीडबैक जो है, फीडबैक मैंने उस समय बताया था कि दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव फीडबैक और एक नेगेटिव फीडबैक। तो आप यहां पे प्लस भी ले सकते हैं और माइनस भी ले सकते हैं, क्लियर है ना, पॉजिटिव फीडबैक के लिए प्लस और नेगेटिव फीडबैक के लिए माइनस होगा, ठीक है। अब इसको यहां पे हम लोग इसको अगर इस ब्लॉक डायग्राम में जैसे ये बनाए हुए हैं फंक्शन फॉरवर्ड पाथ गेन के हिसाब से लिखे, तो सपोज इसका जो गेन है फीडबैक पाथ गेन, ये हो गया सपोज एच ऑफ एस है, समझ में आ रहा ना। तो इसको अगर फिर से रीड्रॉ करें तो ये ऐसे बनेगा, कहीं ये आर ऑफ एस यहां आएगा, रेफरेंस इनपुट आर ऑफ एस मान लीजिए, और यहां पे कंट्रोल आउटपुट जो है ये क्या हो जाएगा, सी ऑफ एस होगा, समझ में आ रहा है। कंट्रोल आउटपुट क्या हो गया, सी ऑफ एस, रेफरेंस इनपुट जो है आर ऑफ एस है। तो यहां पे अब ये जो होगा यहां पे क्या हो जाएगा, जी ऑफ एस होगा, हुआ कि नहीं बताइए, दोनों कंबाइन करेंगे जी ऑफ एस, जैसे यहां पे इसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड पाथ गेन। अब यहां पे जो आएगा ये हो जाएगा सी ऑफ एस, और यहां पे जो आया ये एच ऑफ एस है, ये एच ऑफ एस को क्या बोलते हैं हम लोग, एच ऑफ एस को बोलते हैं फीडबैक पाथ गेन। ये क्लियर है कि नहीं आपको, पहले बताइए यहां पे जी ऑफ एस, यहां पे हर चीज आपको क्लियर हुआ कि नहीं, ये चीज बताइए हमको, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर है तो बताइए, आगे फिर बढ़ेंगे। तो ये मैंने आपको क्लोज लूप का ब्लॉक डायग्राम बनाया है, अब उसका हम लोग डिराइव करेंगे कि उसका ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकलता है, क्लियर है ना। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का समझ आ गया होगा, अब यहां पे क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का बात चल रही है बस। तो यहां पे हम देखेंगे कैसे इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालता है। तो यहां पे देखिए ये क्या था, फीडबैक पाथ गेन, ये है फॉरवर्ड पाथ गेन। यहां पे अगर आपको ये पार्ट जो है, इस जो फीडबैक सिग्नल आएगा यहां पे, जो इनपुट आएगा यहां पे, इसको इसका आउटपुट जो है इसका इनपुट होगा, और यहां पे इसका जो आउटपुट होगा वो उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, फीडबैक पाथ सिग्नल, पहले मैं डिस्कस कर चुका था। तो सपोज इसका एफ ऑफ एस जो है इसको हम लोग बोलते हैं फीडबैक सिग्नल, क्लियर है, इसको बोलेंगे हम लोग फीडबैक पाथ गेन, जो लिख दिया मैंने ऑलरेडी लिखा चुका है, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे इसको जो बोला था मैंने पहले भी डिस्कस किया था, उसको क्या बोलते हैं, एक्चुएटिंग सिग्नल, यहां पे जो बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, एक्चुएटिंग सिग्नल। तो ठीक है, अब यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा। तो
अब यहाँ पे हम इसको डिराइव करने की कोशिश करते हैं कि इसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालें, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालें। हम अभी ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का बात नहीं कर रहे हैं, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का बात कर रहा चल रहा है। वो था ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का बात था, बस उसमें एक ही ट्रांसफर फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है, जिसका जी ऑफ एस वैल्यू बस होता है। यहाँ पे क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है, इसमें दोनों निकालेंगे, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे और एक क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे। तो पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो इक्वेशन अगर हम लिखते हैं तो ये जो एक्चुएटिंग सिग्नल है, ये जो एक्चुएटिंग सिग्नल है, इसको मान के चलिए ये है डी ऑफ एस। इसको क्या माने है? डी ऑफ एस। तो एक्चुएटिंग सिग्नल जो है यहां पे हम क्या माने, एक्चुएटिंग सिग्नल इज इक्वल टू डी ऑफ एस, डी ऑफ एस माने हुए हैं। तो एक्चुएटिंग सिग्नल जो है यहां पर आपको क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, आर ऑफ एस प्लस माइनस एफ ऑफ एस, पहले ही मैं बता चुका हूं यहां पे। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, आर ऑफ एस प्लस माइनस एफ ऑफ एस, यही तो था ना। क्लियर है? डी ऑफ एस जो है आर ऑफ एस प्लस माइनस एफ ऑफ एस, मैंने पहले भी लिखा चुका था ये चीज, इसमें आपको क्लियर होना चाहिए हर चीज प्रॉपरली। ये पहला इक्वेशन आप इसको ले लेंगे। अब सेकेंड इक्वेशन क्या बनाइए, आपने सोचिए क्या बनेगा सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन देखिए, सी ऑफ एस यहां पे आ रहा है, ठीक है, सी ऑफ एस यहां पे आ रहा है, सी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस करेंगे, मैंने बताया था सी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस करेंगे तो क्या मिलेगा, एफ ऑफ एस मिलेगा कि नहीं बताइए, आप लोग पहले बताइए। सी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस करेंगे तो क्या मिलेगा, एफ ऑफ एस मिलेगा कि नहीं। तो यहां दूसरा इक्वेशन लिखते हैं, सी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, ये इंटू है मतलब पॉइंट दे दिए यहां पर, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एस होगा कि नहीं, आप लोग बताइए सबको अच्छे से। दिस इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन, इसको हम लोग क्या मान लिए, सेकेंड इक्वेशन मान लिए। अब यहां पे और एक चीज देखना है आपको, ये देखिए डी ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस, यहां पे आपको दिख रहा होगा डी ऑफ एस, ये डी है, डी ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस जो है दिस इज इक्वल टू सी ऑफ एस होगा कहने, बताइए बताइए आप लोग, सी ऑफ एस जो दिख रहा है डी ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस इज इक्वल टू क्या दिख रहा है आपको, सी ऑफ एस दिख रहा है, ये थर्ड इक्वेशन ले लिए, दिख रहा है कि नहीं बताइए आप लोग, ठीक है। तो अब यहां पे आपको दिख गया, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसा अरेंज करेंगे, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं ट्रांसफर फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, एक ही डेफिनेशन होता है आउटपुट, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। तो यहां पे आउटपुट क्या था, सी ऑफ एस आउटपुट था, इनपुट क्या था, ये था। तो यहां पे ट्रांसफर फंक्शन का क्या होना चाहिए, ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू होना चाहिए सी ऑफ एस डिवाइडेड बाई आर ऑफ एस, हमको ऐसा। तो ये चौथा इक्वेशन हो गया, ये हम मान लिए क्या, फोर्थ इक्वेशन ये होता है। तो अपने को इसका रेशियो निकालना है, सी ऑफ एस बाई आर ऑफ एस का रेशियो निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो इस तीनों इक्वेशन को आपको ऐसा एडजस्ट करना है कि सी ऑफ एस बाई आर ऑफ एस के फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर है ना, यहां पर बताइए क्लियर है कि नहीं। तो हमको ऐसा इसमें मैनुपुलेट करना है, सारे इक्वेशन को मैनुपुलेट करना है ताकि हमको सी ऑफ एस बाई आर ऑफ एस का ऐसा हमको एक रेशियो मिल जाए। क्लियर है? तो अब यहां पे हम सब्स्टिट्यूट करना है, स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे देखिए आपको क्या देखने को मिल रहा है, पहला इक्वेशन जो फर्स्ट इक्वेशन में जो डी ऑफ एस था वो किसके बराबर था, आर ऑफ एस प्लस माइनस एफ ऑफ एस था। अब इसको यहां पे हम पुट कर सकते हैं ना इक्वेशन थ्री में, देख लीजिए यहां पे इक्वेशन थ्री डी ऑफ एस का जो वैल्यू है उसको यहां पे पुट कर सकते हैं कि नहीं, बताइए आप लोग एक बार। तो हाँ पुट कर सकते हैं। तो यहां पे हम लिखते हैं पुट इक्वेशन वन इन इक्वेशन थ्री, हम इक्वेशन थ्री में इसको पुट कर दिया। तो डी ऑफ एस का वैल्यू क्या था, आर ऑफ एस प्लस माइनस एफ ऑफ एस, क्लियर है, और इनटू जी ऑफ एस, यही तो था, दिस इज इक्वल टू सी ऑफ एस, पुट कर दिए थ्री थर्ड इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन में पुट कर दिए तो हमको ये मिल गया। अब यहां पे आपको क्या दिख रहा है, एफ ऑफ एस का वैल्यू भी दिख रहा है, एफ ऑफ एस का वैल्यू क्या दिख रहा है, सी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। इसको अगर इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, जैसे एफ ऑफ एस का वैल्यू जो था उसको यहां पर पुट कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए आर ऑफ एस प्लस माइनस एफ ऑफ एस का वैल्यू क्या था, सी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, और यहां पे आ जाएगा जी ऑफ एस इज इक्वल टू सी ऑफ एस। ये क्लियर है कि नहीं आप लोग बताइए पहले, ये क्लियर हुआ कि नहीं। अब यहीं पे हमको इसको रीअरेंजमेंट करना होगा, इस इक्वेशन को हमको रीअरेंजमेंट करके हमको ऐसा निकालना होगा, सी जो इक्वेशन फोर है उसके हिसाब से हमको निकालना है सी ऑफ एस डिवाइडेड बाय आर ऑफ एस।
क्लियर है। तो यहां पे हम कैसे अरेंजमेंट करेंगे, देखिए यहाँ पे आर ऑफ एस प्लस माइनस सी ऑफ एस है, तो क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, मल्टीप्लाई करेंगे तो आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस प्लस माइनस सी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस इज इक्वल टू सी ऑफ एस। क्लियर है ना, यहां पे कोई डाउट तो बोलिए। अब यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, इस पार्ट को उधर ले जाते हैं, सी ऑफ एस जो इसमें है इसको इधर लिखाइए, समझ में आ रहा है, इसको हम यहां पे लिख रहे हैं, देख लीजिएगा यहां पे लिख रहे हैं, तो दिस इज इक्वल टू आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस, दिस इज इक्वल टू, अब इसको उधर लेके जाइएगा तो क्या होगा, प्लस वाला जो है उधर जाकर माइनस हो जाएगा और माइनस वाला जो है वो प्लस हो जाएगा, इधर लेके आए तो क्या हो जाएगा, सी ऑफ एस प्लस वाला माइनस, अब माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, सी ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, यही तो है। क्लियर है कि नहीं, आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस इक्वल टू सी ऑफ एस माइनस प्लस सी ऑफ एस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, ये चीज क्लियर हुआ करने पहले बताइएगा हमको, यहां पे हम मैंने क्लियर कर दिया हर चीज को, स्पेस नहीं इसलिए वहां पे लिख रहा हूं मैं। अब यहां पे हमको क्या चाहिए, इक्वेशन फोर के हिसाब से सी ऑफ एस बाय आर ऑफ एस चाहिए अपने को, ये ना चाहिए, तो यहां पे क्या करेंगे, यहां से सी ऑफ एस देख रहे कॉमन है, सी ऑफ एस दिख रहा है ना आपको कॉमन, तो वहां से कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा, आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस दिस इज इक्वल टू सी ऑफ एस, कॉमन निकाल दीजिएगा वहां से, तो क्या हो जाएगा, वन माइनस प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, ये हो जाएगा आपका। क्लियर है, यहां पे ये हो गया। अब यहां पे क्या कर सकते हैं हम, देखिए अपने को चाहिए सी ऑफ एस, तो इसको इधर ले जाइए, यहां पे इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले आइएगा, तो क्या मिल जाएगा, सी ऑफ एस बाय आर ऑफ एस इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे इसको, तो ये हो जाएगा जी ऑफ एस डिवाइड बाय वन माइनस प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। ये क्लियर हुआ कि नहीं, आप बताइए हमको पहले, यही तो इक्वेशन है ट्रांसफर फंक्शन, तो यही हो गया ट्रांसफर फंक्शन, यही हो गया ट्रांसफर फंक्शन, जी ऑफ एस डिवाइडेड बाई वन माइनस प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, यही है ट्रांसफर फंक्शन, किसका, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है, क्या है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का कैलकुलेट किया हम लोग यहां पर। कोई डाउट तो बोलिए, आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा अच्छा से, ये किसका निकला, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकला, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का, जी ऑफ एस वन माइनस इतना, तो इसको मैं रब कर रहा हूं यहां पर, आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छा से। तो यहां पे अगर आपको हम बताएं तो यहां पे वो क्या दिखा, यहां पे आपको दिखा होगा दो इक्वेशन दिखा, देखिए यहां पे दो फीडबैक है, पॉजिटिव फीडबैक, तो यहां पे आपको क्या दिखा, फोर पॉजिटिव फीडबैक, फोर पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक अगर हम यूज करते हैं तो उसमें क्या मिला था आपको, उसका क्या हो जाता, नोट कीजिएगा इसको, फॉर पॉजिटिव फीडबैक के नोट कीजिएगा, तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन जो होता है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू ये हो जाता है जी ऑफ एस डिवाइडेड बाय वन माइनस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। क्लियर है। और फॉर नेगेटिव फीडबैक के लिए अगर हम बात करें, फॉर नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, यहां पे क्या हो जाएगा, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन जो हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू जी ऑफ एस डिवाइड बाय वन प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, यही तो है आपका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन अगर देखे तो। वेयर जी ऑफ एस एंड एच ऑफ एस क्या है, जी ऑफ एस जो है फॉरवर्ड पाथ गेन है और एच ऑफ एस जो है फीडबैक पाथ गेन है। क्लियर है यहां पर, तो ये माइनस लग जाता है, यहां पे प्लस लग जाता है नेगेटिव, तो जब पॉजिटिव हम देंगे तो यहां पे माइनस हो जाएगा और जब नेगेटिव देंगे तो यहां पे प्लस हो जाएगा, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, फॉर नेगेटिव फीडबैक और फॉर पॉजिटिव फीडबैक। क्लियर है यहां पे, कोई डाउट तो बताइएगा आप लोग अच्छे से। चलिए अब इसी का अगर हमको पूछा जाए कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, इसी का पूछा जाए ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इसका क्या हो जाएगा, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हो जाता है, सिंपली इसको नोट कीजिएगा जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस होता है, यही डिफरेंस है, फीडबैक ऐड हो गया इसलिए एच ऑफ एस मल्टीप्लाई हो जाएगा।
क्लियर है। लेकिन जब ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का बात हो रहा था उसमें जी ऑफ एस बस हो जाता था, जी ऑफ एस बस रहता था कि क्या उसका ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस होता था, ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस होगा यहाँ पे। क्लियर, यहाँ पे इस पॉइंट को आपको नोट करना है। हाँ, अगर एच ऑफ एस अगर यूनिटी फीडबैक होगा, यूनिटी फीडबैक होगा तो यहाँ पे आपको जी ऑफ एस होगा। क्लियर है, बस जी ऑफ एस बचेगा। अब यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा, आई होप कि अच्छे से समझ आया होगा कि कैसे मैं डिराइव किया क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम को, उसको आप अच्छे से नोट किए कर लिए होंगे। अब यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं क्या, आगे हम लोग देखेंगे आगे उसी के कुछ नोट पॉइंट, आपको नोट पॉइंट लिखवाऊंगा, इसका नोट पॉइंट लिखवाऊंगा, कुछ फीडबैक का नोट पॉइंट जो रहता है वो आपको मैं नोट करवाऊंगा यहाँ पे, नोट पॉइंट। तो आप उसको नोट पॉइंट करके लिखना स्टार्ट कीजिए। पहला नोट पॉइंट देख करके लिखिएगा फॉर पॉजिटिव फीडबैक, ये लिख दीजिए जी ऑफ एस वन माइनस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इतना लिखिए। सेकंड पॉइंट में लिखिएगा फॉर नेगेटिव फीडबैक क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकल जी ऑफ एस डिवाइडेड बाय वन प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए थर्ड पॉइंट ये भी दीजिएगा जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस फॉर क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के लिए, सब एप्लीकेबल है। क्लियर है। अब यहां पे अगर हम लोग देखें फीडबैक पे अगर बात करते हैं, हम लोग किसका बात करें, अगर फीडबैक का बात करते हैं, अगर हम लोग फीडबैक का बात करते हैं तो फीडबैक जो है यहां पे फीडबैक का बात करते हैं, अगर फीडबैक का तो यहां पे तो फीडबैक जो है यहां पे अगर नोट पॉइंट करते हैं तो फीडबैक दो तीन दो तरह का होता है, बताया थे आपको थे पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक। दोनों फीडबैक का अपना अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस है। तो कंट्रोल मोस्टली जो कंट्रोल सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं वो मोस्टली नेगेटिव फीडबैक यूज करते हैं, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक जो है स्टेबिलिटी को क्या करता है, इंप्रूव करते रहता है, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। लेकिन जब जैसे पॉजिटिव फीडबैक करेंगे यूज करेंगे तो वो स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। ये सब बात आपको आगे के चैप्टर में बताएंगे, डिटेल में बताएंगे, तो अभी इसके लिए टेंशन आप नहीं लिखिएगा, इस सबको नोट पॉइंट करके आप लिखिए बस, क्योंकि आगे जाके मैं सारा चीज डिस्कस करूंगा कि फीडबैक का मतलब जो पॉजिटिव फीडबैक कैसे स्टेबिलिटी को इंप्रूव करता है, सब आगे का स्टेबिलिटी चैप्टर जितना है उसमें आपको कवर किया जाएगा। क्लियर है। तो पहला जो नोट पॉइंट होगा, की पॉइंट, उसको नोट पॉइंट भी लिख सकते हैं, नोट पॉइंट जो पहला होगा वो लिखिए आप, नोट पॉइंट, पहला जो नोट पॉइंट है वो है कि पॉजिटिव फीडबैक इज यूज्ड इन मोस्टली यूज्ड इन ऑसिलेटर, क्योंकि पॉजिटिव फीडबैक जो है ऑसिलेटर ऑसिलेशन टाइप का मतलब वेव फॉर्म को क्रिएट करता है। ठीक है, तो पॉजिटिव फीडबैक जो यहां पे है, पॉजिटिव फीडबैक इज यूज्ड इन ऑसिलेटर्स एंड मल्टीवाइब्रेटर्स में इसका यूज होता है। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक जो है इज यूज इन ऑसिलेटर्स एंड मल्टीवाइब्रेटर में इसका का यूज होता है। क्लियर है। सेकेंड जो पॉइंट हम लिखेंगे, नेगेटिव फीडबैक जो होता है, यो यूज होता है किसमें, इज यूज्ड इन एम्पलीफायर्स, ये एम्पलीफायर्स में यूज होता है, एम्पलीफायर्स में यूज होता है ये। क्लियर है, यहां तक आपको क्लियर है। नेगेटिव फीडबैक इज यूज्ड इन एम्पलीफायर, तो पॉजिटिव फीडबैक ऑसिलेटर में, मल्टीवाइब्रेटर में होता है, नेगेटिव फीडबैक जो है यूज्ड इन एम्पलीफायर। ये सब एप्लीकेशन है जो जहां कहां यूज होता है उसको आप नोट कर लीजिएगा। थर्ड पॉइंट जो आता है, जो है पॉजिटिव फीडबैक जो है रिड्यूसेस द स्टेबिलिटी, डिक्रीजेस, पॉजिटिव फीडबैक जो है आप नोट कीजिएगा, पॉजिटिव फीडबैक डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी को क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट जो है नेगेटिव फीडबैक इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी। क्लियर है, पॉजिटिव फीडबैक डिक्रीज करता है स्टेबिलिटी को, नेगेटिव फीडबैक इंक्रीज करता है स्टेबिलिटी को। ये सब सारा पॉइंट हम लोग देखेंगे कैसे करेंगे। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट जो है ओवरऑल अगर गेन का बात करें, जैसे कि जी ऑफ एस जो था, जैसे ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस बाय आर ऑफ एस, ओवरऑल गेन ट्रांसफर फंक्शन का बात करें तो ओवरऑल गेन जो है
इक्वल टू क्या था, जी ऑफ एस बाय वन प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। ये चीज क्लियर है ना, जी ऑफ एस डिवाइड बाई वन प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, ये था। और माइनस माइनस था पॉजिटिव फीडबैक के लिए, और इतना। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि ओवरऑल अगर गेन का बात करें, मतलब गेन मतलब यही ट्रांसफर फंक्शन का अगर बात करें ओवरऑल, तो यहाँ पे क्या दिखने को मिल रहा है कि अगर नेगेटिव फीडबैक है तो ओवरऑल गेन जो है हमेशा वन से लेस होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो इट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज होगा। नेगेटिव फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक अगर लेते हैं मतलब, तो इसका वैल्यू जो होगा जी ऑफ एस वन प्लस, अगर नेगेटिव फीडबैक का बात करें, इंटू एच ऑफ एस। ये क्लियर है, जी ऑफ एस बाई वन प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। तो ये पार्ट जो है हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन वन होगा, जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। क्लियर है, इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन अगर वन हो जाता है तो यहाँ पे क्या होगा, इसका वैल्यू, ये गेन का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, वन से क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ओवरऑल गेन अगर, क्लियर है, अगर इसी तरह अगर अगर पॉजिटिव फीडबैक का यूज करते हैं, पॉजिटिव फीडबैक यूज होगा तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। तो माइनस होगा तो उसका वैल्यू जो है लेस देन वन भी हो सकता है, उसका वैल्यू जो है लेस देन वन होगा। तो उस केस में क्या होगा, ओवरऑल गेन जो है यहाँ पे, ओवरऑल गेन विल इंक्रीज स्लैश डिक्रीज फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लिए गेन भी करेगा और कुछ डिक्रीज भी करेगा। ओवरऑल गेन विल इंक्रीज स्लैश डिक्रीज फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के लिए ऐसा होता है। क्लियर है। अब जो सिक्स पॉइंट देखते हैं, सिक्स पॉइंट जो आता है कि नेगेटिव फीडबैक को हम लोग डीजेनरेटिव फीडबैक, डीजेनरेटिव सिस्टम भी बोलते हैं। तो नेगेटिव फीडबैक जो होता है, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम को, फीडबैक सिस्टम, नेगेटिव फीडबैक को इज आल्सो नोन एज डीजेनरेटिव सिस्टम। इसको डीजेनरेटिव सिस्टम भी बोलते हैं, और पॉजिटिव फीडबैक को रीजेनरेटिव बोलते हैं। पॉजिटिव फीडबैक इज ऑल्सो नोन एज डीजेनरेटिव सिस्टम। अच्छे से इसको नोट कीजिएगा, ठीक है ना। नेगेटिव फीडबैक को हम लोग डीजेनरेटिव सिस्टम ही बोलते हैं, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम को। और पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, यहां पर सिस्टम भी डाल दीजिएगा, सिस्टम। तो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम को हम लोग रीजेनरेटिव सिस्टम भी बोलते हैं। तो ये सब कुछ कुछ की पॉइंट था, नोट पॉइंट था, आप उसको नोट करके अच्छे से लिखिएगा। क्लियर है यहां पे। तो यहां पे अगर हम लोग आगे देखते हैं, आगे कुछ देखते हैं, क्या चीज देखेंगे इसमें, आगे देखते हैं हम लोग कुछ, आगे अगर हम लोग बात करें कुछ एग्जाम्पल का कि कैसे हम लोग, और यहां पर नोट पॉइंट और अच्छे से ऐड कीजिएगा, और एक आध दो पॉइंट और ऐड कर लीजिए। चलिए आप लिख, खुद से लिखिए, नोट कीजिए, हम मैं बताते जा रहा हूं उसको, आपको नोट करना है। तो आगे जो पॉइंट है, वो आगे पॉइंट क्या है, अगर इफ साइन इज नॉट मेंशन, अगर फीडबैक का साइन मेंशन नहीं किया हुआ, इफ साइन इज नॉट मेंशन, फीडबैक साइन इज नॉट मेंशन ऑन द ब्लॉक डायग्राम, अगर ब्लॉक डायग्राम साइन मेंशन नहीं किया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट आपको नेगेटिव फीडबैक लेना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट क्या लेंगे, नेगेटिव फीडबैक लेना पड़ेगा, मतलब माइनस उसको कंसिडर करके चलना पड़ेगा। इसको नोट कर लीजिएगा, इफ फीडबैक साइन इज नॉट मेंशन, वेदर अगर फीडबैक के बारे में नो इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया होगा, इफ नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन रिगार्डिंग द फीडबैक, तो दैट सिस्टम उसको बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, नेगेटिव फीडबैक लेके चलना पड़ेगा अगर फीडबैक मेंशन नहीं किया हुआ। इसको नोट कर लीजिएगा, आप लोग खुद से नोट कर लीजिए, मैं डिक्टेट करा दे रहा हूं कि इफ फीडबैक इज नॉट मेंशन देन बाय डिफॉल्ट वी हैव टू टेक नेगेटिव फीडबैक। अगर फीडबैक मेंशन नहीं किया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट हम लोग को लेकर चलना पड़ेगा क्या, नेगेटिव फीडबैक। क्लियर है। अब दूसरा इसमें की पॉइंट ये भी नोट कीजिएगा, एक और पॉइंट है वो भी नोट कर लीजिएगा, अगर इफ फीडबैक पाथ गेन, मतलब एच ऑफ एस, फीडबैक पाथ गेन जो है एच ऑफ एस है, इफ फीडबैक पाथ गेन एच ऑफ एस इज नॉट गिवन, अगर उसका वैल्यू नहीं मेंशन किया हुआ है, मतलब एच ऑफ एस का कोई वैल्यू होगा 5, 4, 2, 4 कुछ भी वैल्यू होगा, अगर वो मेंशन किया हुआ नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट वी हैव टू कंसीडर यूनिटी, वन लेकर हमको चलना पड़ेगा।
तो इसको दो पॉइंट आपको एक्स्ट्रा आपको नोट करना है इसके बाद 8 और 9 में कि बाय डिफॉल्ट इफ फीडबैक वैल्यू इज नॉट मेंशन इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द फीडबैक देन बाय डिफॉल्ट वी हैव टू कंसीडर नेगेटिव फीडबैक सिस्टम और फीडबैक पाथ जो गेन है फीडबैक पाथ के बारे में दिया हुआ गेन का तो आपको 1 लेके चलना पड़ेगा यूनिटी एचओपी इसका वैल्यू क्या लेना होगा 1 लेके चलना पड़ेगा दो पॉइंट आपको नोट करा दिया मैंने। अब यहां पे एग्जांपल लेते हैं एग्जांपल लीजिए एग्जांपल अगर हम लेते हैं एग्जांपल लेंगे तो क्या होगा एक एग्जांपल लेते हैं जैसे कि एक एग्जांपल इसका आपको क्या निकालना है फाइंड ट्रांसफर फंक्शन इसका ट्रांसफर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालना है आपको क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालना है क्लियर है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालना है आपको और यहां पे ये जैसे कि 2 है इसका फीडबैक पाथ ये फीडबैक पाथ 2 है और ये इसका वैल्यू दिया हुआ आर ऑफ एस ये है सी ऑफ एस है और इसका वैल्यू दिया हुआ 1/s+4 ये प्लस है ये क्लियर है आपको इसका आपको आप निकालिए एक बार कॉपी में अच्छे से इसका आपको बताइए हमको क्या आ रहा है इसको बताइए क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकाल के बताइए क्लोज लूप ट्रांसफर 1 बाय यहां पे है 1/s+4 है ये 1/s+4 है और ये 2 है और यहां मेंशन किया हुआ नहीं है साइन तो आपको क्या है इसका नोट पॉइंट आपको बताया था कि अगर कुछ साइन मेंशन नहीं किया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट हमको क्या लेना पड़ेगा नेगेटिव फीडबैक लेना पड़ेगा मतलब यहां पे नेगेटिव चलना होगा बाय डिफॉल्ट नेगेटिव फीडबैक बाय डिफॉल्ट क्या लेना होगा नेगेटिव फीडबैक क्लियर है बाय डिफॉल्ट नेगेटिव फीडबैक हम यहां पे लेके चलेंगे तो यहां पे अगर आपको निकालना पड़े ट्रांसफर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालना है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालना है तो क्या होगा अगर नेगेटिव फीडबैक था तो मैंने क्या बताया था आपको इसका नेगेटिव फीडबैक क्या होगा जी ऑफ एस डिवाइडेड बाय 1+g(h)(s) यही तो था ना क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या था जी ऑफ एस डिवाइड बाय 1+g(h)(s) ये होगा आपको क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन तो जी ऑफ एस का अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए आप यही तो होगा क्योंकि हमको नेगेटिव फीडबैक हम लेके चलेंगे कहीं कुछ मेंशन नहीं किया हुआ इसलिए तो क्या होगा ऐसा वैल्यू पुट कीजिए 1/s+4 डिवाइड बाय 1+1/s+4 इंटू एच ऑफ एस क्या हो रहा है 2 हो रहा है क्लियर है 2 हो गया अब यहां पे इसको बस पुट कीजिएगा यहां पे तो क्या मिल जाएगा आपको यहां पे आपको क्या मिल गया एलसीएम लीजिए यहां पे तो यहां पे आ जाएगा 1/s+4 और यहां पे आ जाएगा s+4 ऊपर चला जाएगा s+4 ऊपर चला गया आप लोग बताइए यहां पर करके बताइए आप लोग देखिए मत s+6 तो ये कैंसिल हो गया तो बच गया क्या 1/s+6 बच गया ये क्लियर हुआ कि नहीं आपको बताइए हमको समझ आया 1/s+6 आ गया यहां पे आपका ट्रांसफर फंक्शन क्लियर है तो 1/s+6 जो है आपका ट्रांसफर फंक्शन आया क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकल गया आपका तो ये आपको ऐसे निकालना पड़ेगा आपको कुछ भी पूछ दे कि फाइंड द ट्रांसफर अगर एक मार्क्स में भी पूछ दे तो आपको ऐसा निकालने आना चाहिए ठीक है तो इसको रब करते हैं आप नोट कर लिए होंगे सबको रब कर लीजिए आप अब इसको अब रह गया क्या बात इसको आप नोट कर लीजिएगा अब यहां पे अगर हम देखें ये आप क्लास क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालना सीख गए अब इसी में पूछता अगर यहां प्लस दिया रहा था यहां पे क्या दिया रहा था प्लस यहां प्लस दिया रहा था तो यहां पे क्या आ जाता बस माइनस आ जाता उसके जगह पे और उससे आपको कैलकुलेट करना पड़ता क्योंकि पॉजिटिव फीडबैक के लिए 1-g(h)(s) आता है क्लियर यहां तक कोई डाउट तो बोलिए अब यहीं पे अगर आपको पूछता फाइंड द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इसका बोलता आपको फाइंड ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से कैसे निकलेगा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू क्या होगा बताइए आप लोग g(s)(h)(s) यही तो था आपको बताए थे इस सिस्टम का तो g(s) क्या था 1/s+4 और इंटू 2 तो दिस इज इक्वल टू 2/s+4 यही हो गया आपका क्लियर है कि नहीं बताइए आप लोग पहले
यही है आपका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो ऐसे हमको क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करते हैं किसी भी सिस्टम का, तो ऐसे हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं इसी में कॉन्सेप्ट ऑफ पोल्स एंड जीरोस, कॉन्सेप्ट ऑफ नोट कीजिएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ पोल्स एंड जीरोस। समझ में आ रहा ना, कॉन्सेप्ट ऑफ पोल्स एंड जीरोस आपको निकालना है। मतलब इसका मतलब है कि किसी भी ट्रांसफर फंक्शन का कैसे पोल्स, किसको पोल्स करेंगे, किसको जीरोस करेंगे, वो हमको यहां पे निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू होता है सी ऑफ एस बाय आर ऑफ एस। क्लियर है? तो सी ऑफ एस बाय आर ऑफ एस एक ट्रांसफर फंक्शन है। समझ में आ रहा ना? तो यहां पे क्या है, सी ऑफ एस कोई पॉलिनोमियल है, मतलब इसका मतलब यही ना हुआ कि सी ऑफ एस जो है कोई पॉलिनोमियल है और आर ऑफ एस भी कोई पॉलिनोमियल है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इसका कोई पॉलिनोमियल है। तो इसका ऐसे लिखते हैं, तो ये सी ऑफ एस बाय आर ऑफ एस जो है कोई पॉलिनोमियल है और इसका कैसे हमको निकालना है पोल्स एंड जीरोस। तो ठीक है, तो यहां पर कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जो न्यूमरेटर होता है ये क्या है, न्यूमरेटर, ये है न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर। ये तो आपको आता ही होगा इतना सा मैथ में। तो आपको क्या करते हैं, अगर आपको जीरोज निकालना है तो जीरोज निकालने के लिए आप क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर है न्यूमरेटर को इक्वेट करते हैं जीरो से। न्यूमरेटर को क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं जीरो से, मतलब सी ऑफ एस इक्वल टू जीरो करते हैं, फॉर कैलकुलेशन ऑफ जीरो। अगर आपको जीरो निकालना है तो न्यूमरेटर को क्या करते हैं, जीरो के बराबर करते हैं। जैसे न्यूमरेटर है सी ऑफ एस, उसको इक्वल टू कर दीजिए आप जीरो, जीरो के बराबर कर दीजिए और उसका रूट्स निकाल दीजिए। देन फाइंड द वैल्यूज, फाइंड इट्स रूट, इसका फिर फाइंड करनी है रूट्स, फाइंड इट्स रूट्स, रूट्स इसका फाइंड कर दीजिए। वही क्या होगा, वही एस का वैल्यू जो इसमें कुछ रूट्स निकालेंगे, मतलब एस का वैल्यू कुछ मिलेगा हमको, कुछ भी मिलेगा, एक्स वाई जेड कुछ भी मिलेगा, एक्स वाई जेड। तो जो एक्स वाई जेड जो जिस जिस वैल्यू पे, मतलब एस का वैल्यू जो वैल्यू आया एक्स वाई जेड, वो सारे वैल्यूज जो यहाँ पे क्या होंगे, दैट इज द जीरोज ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन। वो क्या होगा, जीरोज, ये क्या हो गया, जीरोज ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन, जीरोज ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन है। क्लियर है यहाँ पे? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी ट्रांसफर फंक्शन आपको जीरो कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो अगर आपको बोला कोई ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है उसका आपको बोला फाइंड इट्स जीरो, आपको जीरो निकालना पड़ेगा, तो कैसे कीजिएगा आप? तो उसका न्यूमरेटर जो होता है, न्यूमरेटर को क्या करेंगे हम, उसको इक्वेट करेंगे जीरो से, उसको इक्वेट करेंगे जीरो से और उसका जो रूट्स निकाल देंगे, उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का रूट्स निकाल देंगे, एस का वैल्यू निकाल देंगे। तो वो जो वैल्यूज निकलेगा वहां पे, उसको हम लोग बोलते हैं जीरोज ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन। क्लियर हुआ कि नहीं इतना सा, आप बताइए। फिर अगला जो निकालेंगे फोर, तो इसको जीरोज क्यों बोलते हैं, पॉइंट ये है कि अगर इसको जीरोज क्यों बोलते हैं, अगर जीरोज इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर एक्स वाई जेड अगर वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे, इस पार्टिकुलर ट्रांसफर फंक्शन में पुट करते हैं एक्स वाई जेड को, वैल्यूज को जो भी यहाँ पे आया एस का वैल्यू, एस के वैल्यू को अगर इसमें पुट करेंगे सी ऑफ एस के जगह पे, तो क्या मिलेगा, वो सी ऑफ एस का वैल्यू क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। तो जीरो के बराबर होगा तो ट्रांसफर फंक्शन भी क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो ट्रांसफर फंक्शन अगर जीरो के बराबर हो गया तो इसलिए इसको जीरो बोलते हैं, क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन वही जीरो कर दिया। क्लियर है? तो सी ऑफ एस का वैल्यू यहाँ पे जीरो हुआ तो ट्रांसफर फंक्शन भी जीरो हो जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं जीरो ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन। अब आगे हम लोग बोलता है कि फोर, अगर हमको पोल्स कैलकुलेट करना, फॉर कैलकुलेशन ऑफ पोल्स अगर आपको कैलकुलेट करना है, समझ में आ रहा ना, तो पोल्स कैलकुलेट करना है तो डिनोमिनेटर याद रखिएगा, डिनोमिनेटर को आपको जीरो करना है। तो डिनोमिनेटर क्या हो गया, आर ऑफ एस को जीरो कीजिए, फिर इसका रूट्स निकालिए, फाइंड इट्स रूट्स, उसका रूट निकाल लेते। एस का कुछ भी डब्ल्यू आ गया, यू भी, ए बी सी कुछ भी ले लीजिए, कुछ भी रूट्स आ गया, डैश कुछ भी रूट्स आ गया, तो ए बी सी जो आया वो क्या होगा, पोल्स ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन। ए बी सी जो है पोल्स ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन को बोलेंगे। इस ट्रांसफर फंक्शन का क्या होगा, ए बी सी जो है पोल्स हो गया ट्रांसफर फंक्शन का। क्लियर है यहां पे? तो ये हो जाएगा पोल्स ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन।
ये क्लियर हुआ कि नहीं पहले बताइए हमको आप, अगर आप बताएंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे किसको पोल्स बोलते हैं और किसको जीरोस बोलते हैं। तो यहां पे आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे देखते हैं एग्जांपल, कुछ एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल से फिर कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग, उससे उसमें आपको कैलकुलेट करना होगा जीरोस और पोल्स वो निकालना होगा। तो यहां पे क्लियर है आपके लोगों को, तो आगे बढ़े तो एग्जांपल निकालते हैं। तो एग्जांपल निकालेंगे, एग्जांपल में क्या लेना, तो कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए ना आप। ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू एस प्लस टू एस प्लस थ्री बाय एस प्लस फोर एस प्लस फाइव एस, ये है, ये क्या है, ट्रांसफर फंक्शन है। तो ट्रांसफर फंक्शन जो हो गया एस प्लस टू एस प्लस थ्री ये सब आ गया, एस एस प्लस फोर एस प्लस फाइव ये सारा जो है यहां पे क्या है, ये रूट्स है, मतलब हमको ये ट्रांसफर फंक्शन का दिया हुआ वैल्यू सपोज। तो हम क्या बोले थे आपको, इसका बोलना है, इसका क्वेश्चन में क्या निकालना है, फाइंड इट्स जीरोस, फाइंड इट्स जीरोस एंड पोल्स, इसका जीरोस फाइंड करना है और पोल्स फाइंड करना है। तो कैसे आप निकालेंगे, तो जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, हाँ वो क्या बताए थे आप बताए, इसको पहले आप खुद से सॉल्व कीजिए क्योंकि मैं आपको बता दिया हूं कैसे जीरोस निकालते हैं और कैसे पोल्स निकालते हैं। तो जीरोस के लिए क्या होता है कि न्यूमरेटर को क्या करेंगे, जीरो के बराबर करेंगे। तो इसका न्यूमरेटर को जीरो कीजिए आप लोग, तो न्यूमरेटर को अगर हम जीरो की करेंगे, न्यूमरेटर क्या है एस प्लस टू, तो कैलकुलेशन ऑफ जीरोस, तो एस प्लस टू और एस प्लस थ्री दिस इज इक्वल टू जीरो, तो एस का वैल्यू क्या आ गया, माइनस टू और माइनस थ्री आया, क्लियर है ना। तो एस का वैल्यू क्या आ गया, माइनस टू और माइनस थ्री, मतलब माइनस टू और माइनस थ्री जो है वो जीरोज है, किसका, ट्रांसफर फंक्शन का जीरोज होगा, माइनस टू और माइनस थ्री, मतलब अगर एस की जगह माइनस टू रखेंगे, एस की जगह माइनस थ्री रखेंगे, तो ट्रांसफर फंक्शन की ट्रांसफर फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो मिल जाएगा हमको, इसलिए ये क्या हो गया, जीरोज ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन, जीरोज ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन, क्लियर। यहां से कोई डाउट तो बताइए। अब यहां पे अगर हमको निकालने बोलेगा क्या पोल्स, कैसे पोल्स निकालेंगे, आपको बोलेगा कि फाइंड द पोल्स फॉर ट्रांसफर फंक्शन। तो पोल्स निकालने के लिए आपको क्या बोले थे कि डिनोमिनेटर का क्या करना है, डिनोमिनेटर का आपको जीरो करना है, तो डिनोमिनेटर को जीरो करेंगे तो एस इंटू एस प्लस फोर इंटू एस प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, तो एस का वैल्यू आ गया जीरो फोर और फाइव, ये हो गया आपका पोल्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शन, ये क्या हो गया, पोल्स ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन, ये क्या हो जाएगा, पोल्स ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन, जीरो फोर फाइव जो हो गए यहाँ पे क्या हो गया, पोल्स ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन हो गया, क्लियर है यहां तक, तो बताइए सारा चीज यहां पे मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो ये एग्जांपल था आपको बताने के लिए कि कैसे पोल्स निकालते हैं और कैसे जीरोस निकालते हैं, क्लियर। अब यहां पर अगर हमको आपको बोला जाए कि इसको आप प्लॉट कीजिए इस प्लेन में, तो प्लॉट कर सकते हैं आप लोग, बताइए कैसे प्लॉट कीजिएगा, अगर इसको आपको बोला जाए कि इस प्लेन में इसको प्लॉट कर दीजिए, इस प्लेन में प्लॉट कीजिए, तो कैसे कीजिएगा प्लॉट, इसको प्लॉट करने के लिए आपको यहां पे देखिए इस प्लेन में बनाते हैं आपको, ये क्या कर रहे हैं हम, प्लॉट, प्लॉटिंग जीरोस, प्लॉटिंग जीरोस एंड पोल्स ऑन एस प्लेन, एस प्लेन में इसको प्लॉट कर रहे हैं, किसको, प्लॉट्स जीरोस एंड पोल्स, जो जीरो आया उसको और पोल्स को। तो यहां पे क्या बताया आपको, कुछ पॉइंट यहां पे नोट स्टार देख कीजिएगा, एस इक्वल जीरोस को हम किससे डिनोट करेंगे, जीरोस को सर्किल से डिनोट करते हैं, ये सर्किल से, और यहां पोल्स को क्रॉस से, पोल को क्रॉस से हम डिनोट करेंगे यहां पर। अब यहां जो एस प्लेन बनाएंगे, एस प्लेन बनाने वाले हैं, एस प्लेन में क्या होता है, एस इक्वल टू क्या होता है, एस इक्वल टू होता है सिग्मा प्लस जे ओमेगा होता है, ये बात पता है ना, सिग्मा प्लस जे ओमेगा, ये हो गया सिग्मा और ये हो गया जे ओमेगा, इमेजिनरी टर्म, और ये तो यहां पर जीरो, ये हो गया वन, ये टू, यहां थ्री, ये हो जाएगा माइनस वन माइनस टू
माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, क्लियर है। फिर इधर इसी तरह जे वन, जे टू, जे थ्री, जे माइनस वन, जे माइनस जे टू, ठीक है। अब यहां पे हमको क्या मिल रहा है, कहां कहां जीरो लाइक कर रहा, माइनस टू और माइनस थ्री पे, क्लियर है। तो यहां माइनस टू में गोल कर दीजिए, माइनस थ्री में गोल कर दीजिए, क्या है, क्योंकि जीरो कहां लाइक कर रहा है, माइनस टू और माइनस थ्री जीरो के लिए राउंड होता है। अब यहां बोल रहा है कि पोल्स कहां लाइक कर रहा है, तो जीरो फोर और फाइव में, वही तो लाइक कर रहा ना, सॉरी जीरो माइनस फोर और माइनस फाइव पे लाइक कर रहा है, ठीक है ना। माइनस फोर माइनस उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो माइनस क्रॉस कर दीजिए यहां पे, सो क्रॉस कर दीजिए और इसको क्रॉस कर दीजिए। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं बताइए। तो ये रिप्रेजेंटेशन है पोल्स एंड जीरोस का ऑन द एस प्लेन, और कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग जीरोस और पोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी मैंने आपको निकाल के बता दिया यहाँ पे अच्छा तरीका से, ठीक है। कोई डाउट तो बताइए आप लोग। अब अगला एग्जांपल हम एक लेते हैं, अगला एग्जाम्पल जो लेंगे एक और एग्जाम्पल है, उसमें हम लोग देखेंगे कैसे जीरोस एंड पोल्स को कॉम्प्लेक्स प्लेन, उसमें कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल भी लेना बहुत जरूरी है। कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल कैसे लेंगे वो भी हम यहाँ पे वहां पे वो भी देखने वाले हैं, कैसे मतलब निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल और लिखिए, एग्जाम्पल टू, ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू है वन बाय एस स्क्वायर प्लस एस प्लस वन, क्लियर है। ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू क्या हो गया, ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू यहां पे है वन बाय एस स्क्वायर प्लस एस प्लस वन। आपको इसको फाइंड करना, फाइंड इट्स पोल्स, क्योंकि जीरोस तो है नहीं इसमें, एस का कोई टर्म नहीं है। फाइंड इट्स पोल्स एंड लोकेट देम ऑन एस प्लेन, एंड लोकेट देम ऑन एस प्लेन, क्लियर है। तो इसका आपको रूट्स निकालना, पहले हम क्या बोले, अगर पोल्स निकालना है तो डिनोमिनेटर को क्या करना होगा, डिनोमिनेटर को आपको इक्वेट करना होगा जीरो से, मैं ये पहले बताया था। तो डिनोमिनेटर को इसमें जीरो तो नहीं है, जीरो यहाँ जीरो है, जीरो इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे आपको पोस्ट निकालना था, पोस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर को इक्वेट करते हैं जीरो से, एस स्क्वायर प्लस एस प्लस वन इक्वल टू जीरो कर दिए, क्लियर है। अब इसका रूट्स निकालिए, तो इसको क्या फैक्टराइज कर सकते हैं, क्या नहीं होगा फैक्टराइज, क्लियर बात है। तो इसको हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड से चलेंगे, फॉर्मूला लगाइए, इसको आपको आता ही होगा इसके निकालने के लिए, वो वाला फॉर्मूला एस इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस बी क्या है, माइनस वन प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर कितना हो जाएगा वन, माइनस फोर, ए का वैल्यू वन वन वन, तो माइनस फोर हो जाएगा डिवाइड बाय टू इंटू वन टू ए, क्लियर है। तो एस इक्वल टू क्या आ गया, माइनस वन प्लस माइनस जे रूट थ्री, ये टू ये टू, तो एस इक्वल टू हो जाएगा माइनस पॉइंट फाइव, हो जाएगा प्लस माइनस जे रूट थ्री बाई टू, जीरो पॉइंट एट सिक्स 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 होगा, ये क्लियर हुआ। तो ये हो गया आपका, देख लीजिएगा आप निकाल करके इसको कैसे ये आ रहा है कि नहीं, आप लोग चेक कर लीजिएगा। माइनस को जे से रिप्रेजेंट करते हैं सब। अब इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें कहाँ, एस प्लेन में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एस प्लेन में इसको रिप्रेजेंट कर दिया हम, एस प्लेन में ये इधर होता है सिग्मा, इसको होता है जे ओमेगा, ये हो गया जीरो। यहां पर वो क्या मिल रहा है, माइनस जीरो पॉइंट फाइव प्लस माइनस जे जीरो पॉइंट एट सिक्स सिक्स सिक्स, मतलब ये कॉम्प्लेक्स रीजन में ही आ रहा है, क्योंकि दोनों इसमें रियल पार्ट भी है और इमेजरी पार्ट भी है। तो यहां पे क्या आएगा, माइनस सपोज यहां पे है जे जीरो पॉइंट एट सिक्स सिक्स और ये है माइनस जे जीरो पॉइंट एट सिक्स सिक्स और यहां पे सपोज माइनस जीरो पॉइंट फाइव है, क्लियर है। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे ऐसे 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 ये हो गया और ये तो यहां पे जो आएगा, यहां पे ये पॉइंट दोनों क्या रिप्रेजेंट करता है, पोल्स को रिप्रेजेंट करता है यहां पे। तो ये दोनों पॉइंट जो है यहां पे पोल्स को रिप्रेजेंट करेगा आपका, क्लियर हुआ। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं किसको, पोल्स को ऑन द एस प्लेन। तो ये आपका हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पोल्स एंड जीरोस ऑन द एस प्लेन, क्लियर आपको हर चीज। तो यहाँ पे आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कैसे कॉन्सेप्ट एंड पोज जो है निकालते हैं, उसको हम लोग, मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया, ठीक है, थैंक यू।